आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर द क्रोमोसोम्स इनएक्टिव, कंडेंस्ड एंड नॉट ट्रांसक्राइब्ड टू मैसेंजर आरएनए। तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ जी1 फेज, एस फेज, एम फेज और जी2 फेज। अगर हम लोग बात करें इंटरफेज के बारे में, किसके बारे में बात करें? इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज किस तरीके से होती है? सबसे पहले गैप वन फेज, फिर एस फेज, सिंथेटिक फेज, फिर होती है आपकी जी2 फेज। ये जो आपका जी1 फेज होता है, इसके अंदर भी एंजाइम्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एंजाइम्स का। एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। जी2 के अंदर क्या हो गया? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे जी2 के अंदर होता है। तो एक बात बताइए, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो, चाहे प्रोटीन का सिंथेसिस हो, हर जगह डीएनए को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल डोगमा करना पड़ेगा। यानी डीएनए जो है वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद में वो ट्रांसलेट होता है। क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, और ट्रांसलेट होकर के एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यही एमआरएनए जो है वो आगे चल के ट्रांसक्रिप्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट होता है, और ट्रांसक्रिप्ट होकर के क्या बनाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और यही प्रोटीन आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है। अगर मैं बात करूँ, और ये पूरी जो प्रोसेस है डीएनए से प्रोटीन का बनना है, क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जी1 एस जी2 के अंदर अगर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो क्या होगा? जो आपका डीएनए है वो एमआरएनए बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम फेज, तो एम फेज में जो न्यूक्लियस होता है, एम फेज में न्यूक्लियस में ऐसी कोई भी सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म नहीं होता है जिसके थ्रू जो है आपका डीएनए जो है एमआरएनए बनाए, बल्कि जो आपका क्रोमोसोम्स जो रहता है, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और एकदम अच्छे से विजुअल हो जाते हैं, ठीक है, विजिबल हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो डीएनए अवेलेबल रहता है वो डीएनए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं करता है, ठीक है। और अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा तो क्रोमोसोम जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ये बात हम कह सकते हैं ऑप्शन 3 क्या हो गया? एम फेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।